बच्चों, हाय। हमने अभी तक जमा, तफरीह, ज़र्ब की सारी चीज़ें देख ली हैं, है ना? तो आज हम क्या करते हैं, कुछ अलग नया देखते हैं। अच्छा, तो मुझे बताओ सबसे पहले कि कितने बॉल्स हैं? ठीक छह बॉल हैं। कितने बॉल हैं? है छह बॉल हैं। तो अगर मुझे ये छह बॉल अली और तैफूर में मसावी मसावी बांटना हो, तो हर एक के हिस्से में कितने बॉल आएंगे? करके देखो, करके देखो। अगर मुझे इन दोनों में बराबर बराबर करने हैं तो कितने कितने बॉल आएंगे? कैसे कर सकते हैं हम इसको? कितने आ गए इन दोनों को? तीन तीन हमारे बॉल आ गए। इसका मतलब अगर छह हमारे पास बॉल हैं, उनको दो लोगों में मसावी बांटना है, तो हर एक हिस्से में कितने आएंगे? तीन तीन बॉल आएंगे। ठीक है, अब ये कितने फूल हैं गिनो? नौ नौ फूल हैं। कितने फूल हैं ये? नौ नौ फूल हैं। समझो, अगर अब मुझे इन नौ फूल को अली, आफरीन और तैफूर में मसावी मसावी बांटना हो, तो तुम तीनों को कितने कितने फूल आएंगे? बांटो नमरा, तुम बांटो तीनों को मसावी मसावी फूल। अच्छा, तुमने एक एक दे दिया, फिर एक एक दिया। ओके, गुड। कितने कितने फूल आए सबके हिस्से में? कितने हैं? तीन। तीन तीन। इसका मतलब अगर नौ के हमको मसावी हिस्से करने हैं, तो हर एक हिस्से में कितने आएंगे? तीन तीन तीन। फूल आएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे नौ फूल। अच्छा, ये कितने पेन है गिनो? गुड। ये कितने पेन है? 12 पेन है। अच्छा, तो आफरीन, अगर ये 12 पेनों को मुझे तुम चारों में बांटना है, तो हर एक के हिस्से में कितने पेन आएंगे बताओ? करके करके बताओ। ठीक है, कितने आए हर एक के हिस्से में? तीन तीन पेन आए। बहुत अच्छे। इसका मतलब अगर हम 12 को चार मसावी हिस्सों में बांटेंगे, तो हर हिस्से में कितने आएंगे? तीन तीन पेन आएंगे। बहुत अच्छे। ठीक है,